नमस्कार आपण देखुं पॉजिटिव भारत मु सत्यसाई मिश्र आगको बढ़िया पॉजिटिव खबर देखा पूर्व प्रथम देखने हेडलाइंस जूनियर विश्वकप हॉकी पर 18 जनिया भारतीय दल घोषणा विवेक सागर प्रसाद नेतृत्व में टीम घोषणा दल में स्थान पाइले तीन ओडिया खेला अभिषेक लाक्रा सुनील जोजो और सुदीप चिर्मा को 24 रु कलिंग स्टेडियम मैच डीजी भाव दायित्व नेले एसएन प्रधान 31 अगस्त 2024 जाए रही दायित्व रे पूर्व एनडीआरएफ डीजी भाव साउटी प्रशंसा अर्गस को प्रथम प्रतिक्रिया कहले देश को निशामुक्त करने करे कार्य देश मन पकाउं स्वाधीनता भारत स्वाधीन भारत प्रथम शिक्षामंत्री को आज हूँ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जयंती देश जनाइला श्रद्धांजलि आजाद थिले जने स्वाधीनता संग्रामी कवि लेखक बुद्धिजीवी और दक्ष सांसद शेष है मध्य भारत गणपर्व छठ पर्व चारिदिन धरी देशर विभिन्न स्थान निरडंबर भाव में पूजा अर्चना उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड महिला माने कले विश्वास और निष्ठार सह पूजा वाराणसी में पहुंचब 100 वर्ष तले चोरी होता मां अन्नपूर्णा प्रतिमूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्यम मूर्ति फेरी कानाडारु एवं केंद्र सरकार मां मूर्ति को पठाइले उत्तर प्रदेश आगको प्रधानमंत्री उद्यम 150 प्रतिमा फेर भारत को कलिंग स्टेडियम आयोजन होगा जूनियर हॉकी विश्वकप 24 तारीख में आरंभ हो हॉकी महाकुंभ 16 टीम ए विश्वकप अंशग्रहण करेंगे तेरे भारतीय टीम भुवनेश्वर पहुंची सारी जूनियर विश्वकप हॉकी पर 18 जनिया भारतीय दल घोषणा होगी विवेक सागर प्रसाद नेतृत्व में 18 जनिया टीम घोषणा होगी 18 जनिया भारतीय दल स्थान पाई ओडिशारु तीन खेला अभिषेक लाक्रा सुनील जोजो और सुदीप चिर्माको टोक्यो ओलंपिक रे ब्रोंज पदक विजेता भारतीय दलर सदस्य विवेक सागर प्रसाद दलर नेतृत्व ने उपनायक दायित्व अच्छा संजय अनेमानक टीम रे शामिल अच्छा सदानंद तिवारी प्रशांत चौहान सुदीप चिर्माको राहुल कुमार राजभार आदि खेला आज भारतीय टीम भुवनेश्वर में पहुंची बेले 15 तारीख में अन्य टीम सबू भुवनेश्वर में पहुंचे कोविड कटकणा भितर हेबा टूर्नामेंट एथर दर्शक मानू स्टेडियम को मना खेलाड़ी और स्टाफ को प्रतिदिन आरटीपीसीआर टेस्ट करा खेलाड़ी और टीम पर 2 स्वतंत्र कोविड हॉस्पिटल संरक्षण रखा जाए निरडंबर भाव में हेबा यार उद्घाटन समारोह परवर्त खबर को जीवा ओडापी खुशी खबर नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी महानिर्देशक पदवी में निजुक्त हेले वरिष्ठ ओडिया आईपीएस अधिकारी सत्यनारायण प्रधान पूर्व श्रीत प्रधान एनडीआरएफ महानिर्देशक सहित किसी दिन धरी एनसीबी अस्थायी मुख्य भाव में अतिरिक्त दायित्व तुलाई आसुले 31 अगस्त 2024 जाए एनसीबी गुरुत्वपूर्ण दायित्व रे श्री प्रधान सत्यनारायण प्रधान ओडिया हेले 1988 ब्याच झारखंड क्याडर आईपीएस अधिकारी पूर्व से ओडिशा रे मध्य कार्य कर सारी निजर कार्य दक्षता राष्ट्रपति पुलिस मेडल सहित आरो अनेक सम्मान रे सम्मानित होती श्री प्रधान तेरे एनसीबी डीजी हेबा पर अर्गस को प्रथम प्रतिक्रिया देखते से देश को निशामुक्त करने कार्य करेंगे ओडिशावासी पाई बहुत भल खबर जे एनसीबी रो हेड होती पुणी थे जो अतिरिक्त दायित्व मिलता बर्तमान पूरा दायित्व से रोबे पूर्व एनडीआरएफ आम देखीचु जिते ओडिशा को बात्या बन्या आसला किभ ढंग से कम करुले देखिए गोटे पर गोटे विभाग में ओडिशा ओडिया दबदबा वृद्धि पाइव लगी सीधा साल कथा हाँ सर कंग्राचुलेसन आम पूरा पर पक्षर सर प्राथमिक प्रतिक्रिया कौन रखे देखो मोर जो एडिशनल चार्ज थी सीटा बर्तमान रेगुलर चार्ज होगा
रेगुलर चार्ज जेहेतु है मत बर्तमान ए दायित्व टी पूर्ण भाव निभेवाक पड़ो आमर जो भारत सरकार जो प्राथमिकता हूँ ड्रग फ्री इंडिया नशा मुक्त भारत ए स्लोगन सहित आम आगे बढ़ीबू आउ एनसीबी रिऑर्गनाइजेशन अवश्यम्भव भी कहीं रिऑर्गनाइजेशन दायित्व मत दि जाइए एनडीपीएस एक्ट को भी आम एमेंड करने प्रचेष्ट आउ आम चेष्टा चलेबू चेष्टा करूँ जे जो चिंताधारा वर्तमान जे ड्रग्स भारत को आक्रांत करुच्ची आ बहुत परिमाण रे लोक बहुत अभिभावक बहुत पेरेंट्स माने मते मेसेज करी फोन करी ये ईमेल करी कि मते मेसेज पठाउछंती पिला माने केमती ड्रग्स आड़ को मुखरित होउछंती तेणु एटा गोटे चिंतार विषय पूरा देश पाई चिंतार विषय तेणु यही मुहिम को केमती आग को बढ़ा जाऊ केमती एनसीबी रो गोटे सेंट्रल रोल हबो कोऑर्डिनेटिंग रोल हबो आउ ड्रग फ्री इंडिया प्रति आम केते सक्सेसफुली काम करी पारिबो सेटा भी सेटा होची आमर प्रायोरिटी आउ ए प्रायोरिटी को नहीं कि आमे आगु बढ़ो सर जेमते कि ओडिसा रे मध्ये लिंक जेतेले मुंबई रे आपण रेंट करले सेतेले मध्ये ओडिसा रे गोटे लिंक आसिला से सुशांत सिंह केस हो बा जो जो रिसेंट रे आपण जो क्रोज ऊपर अटैक करथिले तो जो गंजा चरस रहिची जोडा कि माउस टी माने मध्ये मेन सोर्स से मानकर इनकम पई तो बारंबार ओडिसा रे लिंक आसी जेतु आपण ओडिसा रे बिलोंग्स करंती आ सेति प्रति सर किछ एक्शन प्लान करचुंती देखो तो ओडिसा मध्ये गोटे फोकस स्टेट मु आगुरु भी कहिची ओडिसा रे फोकस स्टेट कैना ଭାରତର ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋକଜମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ ଯେମିତି ଆମର କନଜ୍ୟୁମର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିଛି ଭାରତର ମତଲବ ୟୁଜର ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଉଠୁ ସୋର୍ସିଂ ବି ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ସୋର୍ସ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କନଜ୍ୟୁମିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସୋର୍ସ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଏବଂ କନଜ୍ୟୁମିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କ୍ୟାନାବିସ୍ ବା ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇର ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ଗଞ୍ଜେଇର ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ବି ହେଉଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବି ଗୋଟାଏ ରଣନୀତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଗ ପାଇଁ ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା ରହିଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ରହିବ ଆଇ ୱୁଡ଼୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେୟାର ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡ୍ରଗ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାରତ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଭାରତ ଦେଶ ସେବାରେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଦେଶ ସେବାରେ ଯଦି ସେଇ ସେଇ ପ୍ରସେସରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରିପାରିବି ଏଇଟା ମୁଁ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବେ ଟାଇମିଂ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଟ୍ଫୁଲ୍ ରହିଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଫିସ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏନ୍ସିବି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ ତ ଯେଉଁ ସାର୍ ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ଜାଗାରେ କାମ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଫୁଲି ସେଇଠି ଟାଇମ୍ ଦେବେ ତ କେତେ ସହାୟକ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ପୁରାପୁରି ରହିପାରିବ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଫୁଲ୍ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦି ଏନ୍ସିବି ୱାର୍କ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଶନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ସରକାର କାମ କରୁଛି ଯେ ଡ୍ରଗ୍ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଜ୍ ମଚ୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି କରିପାରିବୁ ସେଇଟା ସହଜ ନୁହଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବି ଯେ ମାନିବ ଯେ ଏଇଟା ସହଜ ନୁହଁ ଡ୍ରଗ୍ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆଟା କରିବାଟା ସହଜ ନୁହଁ କାହିଁକିନା ତା ଦେହରେ ସୋସିଆଲ୍ କଲଚରାଲ୍ ଆଉ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଲିଗେସି ଅଛି ଆଉ ତେଣୁ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ସେଇ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଆଡ଼କୁ କାମ କଲେ କିଛିଟା ପରିମାଣରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଡ୍ରଗ୍ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ମୁହଁ ପାରିବୁ ଏଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା ଲଗାତାର ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ତେବେ ପୂର୍ବର ସିଭିୟର ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛିଟା ସୁଧାର ଆସିଛି ଏବଂ ଏବେ ଭେରି ପୁଅର ସ୍ତରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ତଥାପି ଦିନର ଅନେକ ସମୟ ଯାଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ଧୂଆଳିଆ ରହୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦା ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଅ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବଟ୍ ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ 6 ଅର୍ 7 the pollution is more because of the vehicles else in the recent times it has increased comparatively when compared to last month this has increased after Diwali so what is the reason because of Diwali because of crackers it is very more and we could note there is a sudden upsurge in the air quality index now it is around 380 I guess अभी तो हाँ विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और प्लस जब राइड कर रहे हैं और
इनहेल कर रहे हैं जब हम, तो खराश आ रही है, थोड़ा आंखों में जलन भी हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है थोड़ी। आफ्टर दिवाली क्रैकर्स बहुत बड़ी वो है रीजन, और पॉल्यूशन ज्यादा, गाड़ी वगैरह भी है, ये सब चीजें हैं, तो उससे फेस हो रही है प्रॉब्लम। लगातार वर्षा रे बेहाल तमिलनाडु राजधानी चेन्नई महानगर, एथपाई बन्या परिस्थिति सृष्टि होता बेले बुधवार संध्यारु पुणी आरंभ हो प्रबल वर्षा। बंगोपसगर सृष्टि होता लघुचाप जो आगामी दुई दिन पर्यंत पुणी लगातार वर्षा हो भविष्यवाणी कर चेन्नई समेत तमिलनाडुर विभिन्न जिले में अनेक अंचल पानी से बुड़ रही। घर और आपार्टमेंट मध्य पा पशि जाए, लोक मैंने नाना असुविधार सम्मुखीन होती। उद्धारकारी दल उद्धार कार्य लगे सहित रास्ताघाट सफा करुंथ पड़ कतेक स्थान में जीवन हानिर खबर सामनाक आस्थिति को नजर रखी चेन्नई को विमान सेवा और ट्रेन सेवा को अस्थायी भाव में बातिल कर समुद्र अशांत थवर मत्स्यजीवी मानक समुद्र भितर को नजरपाई परामर्श दि जाए। मुख्यमंत्री स्टालिन बन्या परिस्थिति बाबद समीक्षा बैठक करिछंती। बन्या वर्षार स्थिति एवं क्षयति बाबद सूचना देछंती तमिलनाडुर राजस्व मंत्री। दिस करेंट राउंड ऑफ रेन्स ऑफ टुडे इट स्टार्टेड विद द सैटरडे नाइट, सो टुडे इज द फोर्थ डे बीइंग थर्सडे, सो वी हैव टोटल 14 डेथ्स एंड लास्ट 24 आवर्स देयर हैव बीन ओनली 2 डेथ्स, वन इन तंजावुर वन इन तिरुवल्लूर, बोथ बिकॉज ऑफ वॉल्स फॉलिंग। सो we have controlled the actual accidental death to a large extent. We had lots of meetings in advance, and especially in delta districts where there is heavy water stagnation perennially, that has been desilted. So even if there was heavy rain 24 hours ago, they are now getting receded. Water is receding very fast. In Chennai we had a problem of Mamallam canal which resulted in water stagnation, that has been cleared. Night there has been rain which has come on top of the previous rain, so there are lots of waterlogging today. 13 subways are waterlogged which are being pumped out, so shortly it will get cleared. The tree clearance teams were on job. We had 160 trees fallen, out of which only 13 are right now, which is also being removed. Enough number of camps are here, so almost yesterday only there were around 2 lakh people who have been fed. So in these 4 days almost 20 lakh people have been given food packets in Chennai, and very few people come to the center, because even if there is a waterlog, they are fearful of their own property, so they come and take food here and then go back to their home. So that way we are taking care. And everywhere we have a monitoring officer. As you know, there are 19 senior officers deputed specifically for various zones and other locations in Chennai, so they are coordinating with the teams, and as and when wherever it comes, and we know that there is a power problem wherever there is a water logging, so we have identified, the electricity board is giving a list of whatever power switch off is there due to water logging, that is being given the first priority, and pumping is happening and the drain is being cleared. आज स्वाधीन भारत प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कर जयंती दिवस को देश में जातीय शिक्षा दिवस भाव में पालन कराए। देशर प्रथम शिक्षामंत्री रहिबा सहित जड़े स्वाधीनता संग्रामी दक्ष सांसद कवि लेखक बुद्धिजीवी थिले मौलाना आजाद। ए अवसर में संसदर केन्द्रीय हल में फटोचित्र माल्यार्पण करते लोकसभा बाचस्पति ओम प्रकाश बिरला देशर स्वाधीनता संग्राम और शिक्षा प्रति अवदान को मन पकाइ ट्विट जोगे श्रद्धांजलि जनाइछन्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। जलवायु परिवर्तन और परिवेश सुरक्षा बाबद भारत ग्लासगो सीओपी 26 सम्मेलन में भारत जो प्रतिश्रुति पूरण करने दिगरे एक बड़ भूमिका तुलाइबे विभिन्न राज्य पदभार तुलाउथवा राज्यपाल। आज दिल्ली में अनुष्ठित राज्यपाल बैठक में एपरी वार्ता देखते केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह जलवायु परिवर्तन संपर्क में राज्यपाल मैंने राज्य लोकों मध्य सचेतनता सृष्टि करेंगे। एथसत जय शिक्षानी किपरि तृणमूल स्तर में सफल भाव में लागू हो पार से दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका तुलाइवाक राज्यपाल अनुरोध कर गृहमंत्री। राज्यपाल बैठक में महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य पदाधिकारी सामिल होते राष्ट्रपति भवन में आयोजित होता राज्यपाल 51वां सम्मेलन। आज हम जब मिल रहे हैं तब आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है, इसलिए इस सम्मेलन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। 15 अगस्त 21 को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास इस विषय पर बल देते हुए
जनता का आह्वान किया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम रंग चंग के साथ मनाएं और जन भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सुनिश्चित करें। मुझे लगता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल महोदयों का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। स्वाभाविक रूप से आप इस पर चिंता भी करेंगे और अपने अपने राज्य की जनता को आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ने का हम सब प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमें 75वें वर्ष तक सीमित रहना नहीं चाहते। 75 आज़ादी के 75वां वर्ष से 100 वर्ष, ये 25 साल को हम अमृत काल के रूप में मनाएंगे और 100 वर्ष के बाद भारत कहाँ खड़ा होगा इसका संकल्प भी लेंगे और संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए हम कार्य योजना भी बनाएंगे। अमृत काल का लक्ष्य भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि और सफलता के नए शिखर का आरोहण करने का वर्ष रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसमें सभी राज्यपाल महोदयों की भूमिका और सक्रियता दोनों सुनिश्चित होगी, इसका मुझे विश्वास है। ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को दुनिया के सामने रखा है और पूरी दुनिया अचंभित हो जाए इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने इस शिखर सम्मेलन की अगुवाई की है। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने भारत की ओर से 5 अमृत तत्व रखे हैं। वो 5ों अमृत तत्व एक प्रकार से हमारे लिए एक कड़ी चुनौती भी है और जब कड़ी चुनौती पार करेंगे तो बहुत बड़ी सिद्धि भी होगी। 2030 से 2070 तक इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमारी अगली पीढ़ी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि राज्य के स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय में इन लक्ष्यों का प्रचार और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए जागृति कर एक जनमानस बनाना, क्योंकि जनमानस में जब तक जागृति नहीं आती है, इसके प्रति समर्पित भाव खड़ा नहीं होता है लक्ष्यों के प्रति, तब तक इसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। सरकार अपने तरीके से प्रयास करेगी मगर जनता को जोड़ने की जो बात है उसमें राज्यपाल भवन राजभवन ने भी इसकी चिंता करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि हम यही दिशा में आगे बढ़ेंगे। निज लिखित पुस्तक माध्यम हिंदू धर्म को बदनाम करने को जाए अड़ुआ कांग्रेस नेता तथा पूर्वतन आईन मंत्री सलमान खुर्शीद गत काली रिलीज होता सलमान रशीद सलमान खुर्शीद पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या से हिंदुत्व को इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम सहित तुलना कर पुस्तक पृष्ठा नंबर 113 सफरन स्काय नामक एक अध्याय लिखि महान हिंदू धर्म बाबद एपरी कुत्सा रटना कर सलमान याकू नहीं से देशर बुद्धिजीवी समालोचनार शिकार होती दिल्ली समेत देशर अनेक स्थान विरोध में आईन आश्रय नहीं आईनजीवी माने हिंदू धर्म संपर्क में सलमान एपरी मंतव्य भारतीय संविधान विरुद्धाचरण कर मत दे आईन विशेषज्ञ कांग्रेस के बड़े नेता और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सलमान खुर्शीद ने अपनी नई बुक द सनराइज ओवर अयोध्या के एक चैप्टर द सैफ्रॉन स्काई के अंदर हिंदू धर्म को परिभाषित करने की कोशिश की है। उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि आईएसआईएस और बोको हराम की तरह हिंदू धर्म काम कर रहा है। क्या हिंदू धर्म या हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को मार रहे हैं? इस तरह की बात करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लॉ ऑफ लैंड के खिलाफ है। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि बोको हराम और आईएसआईएस जो कि एक इस्लामिक जिहादी ग्रुप हैं, क्या उनकी तरह हिंदू धर्म के लोग भी काम कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है, किसी भी तरीके से हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इसके पीछे की मंशा लोगों को भड़काने की, लोगों को आपस में लड़वाने की है, जिसके लिए मैंने एक शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी है, जिसमें लोगों को भड़काने का और धार्मिक भावनाएं आहत करने का, देश के खिलाफ काम करने का मैंने चार्ज लगाया है। और मैंने ये आग्रह किया है कमिश्नर पुलिस से कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ एक्शन लिया जाए और एफआईआर लॉज। काशीनगर चोरी होता माँ अन्नपूर्णा प्रतिमूर्ति भारत फेरला केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को यह हस्तांतर कर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्यम यह मूर्ति कानाडार नूआदिल्ली में पहुंची पूर्व निर्धारित सूची अनुसार नूआदिल्ली आज प्रतिमूर्ति वाराणसी अभिमुखे बाहरी 14 तारीख राति सुधा यह वाराणसी में पहुंचा ए आयोजित होता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जोगदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तेज आज दिल्ली मॉडर्न आर्ट गैलरी में एक कार्यक्रम आयोजन हो जाए केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जी किसान रेड्डी स्मृति ईरानी जी मॉडर्न आर्ट गैलरी डीजी आदित्य गणनायक प्रमुख जोगदे जी किशन रेड्डी निज प्रतिक्रिया रे कहते प्रधानमंत्री के उद्यम आहुरी 150 प्रतिमा भारत को फेर खूब शीघ्र ऑडिट सरिले अमेरिका आमको किसी मूर्ति हस्तांतर कर भारत एक कृषि प्रधान देश चाषी हित मां अन्नपूर्णा देवी सर्वदा रही। कुछ विदेश के लोग मां अन्नपूर्णा मातेश्वरी जी का मूर्ति ले गए थे आज़ाद से पहले। नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालने के बाद साधु संतों का आदेश पर निर्देश पर नरेंद्र मोदी जी बहुत प्रयास करके अलग अलग देशों में जो भारतीय संस्कृति का अपना अपना विरासत का जितने भी मूर्तियां हैं जितने भी पेंटिंग्स है जितने भी एंटीक्विटीज है वो सब वापस लाने के लिए बहुत अच्छे काम चल रहे। नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालने के पहले बहुत कम ऐसे एंटीक्विटीज भारत लाए गए। अभी इस 7 सालों में बहुत कुछ एंटीक्विटीज विदेश से लाने के लिए प्रयास कर रहे किया है वो सफल भी हुआ। प्रधानमंत्री इच्छा जे आमर जो जिनस जहाँ किसी बाहर को जाइए से जो प्रकार रे भी जाऊ आम ताकूति मान आमरी जगार आणकर से जगार पुणी स्थापना कर परिबा। आज आप मंत्री मानकर जो कथार आपड़ जापारे जो टाइप रर भावना पब्लिक रो टाइप भावना आउ जो हिसाब से भक्ति रस गोटे रूप देते अपने आरंभ रु 7टा रु आरंभ कर 11टा पर्यंत कंटिन्यू गोटे प्रोसेस चलता। आज शेष हो 4 दिन धरी पालन होता छठ पूजा मुख्यतः उत्तर भारतीय विशेषकर उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड भाई राज्यर महिला मैंने पर्व को अति निष्ठार सहित पालन करता बेले उत्तर भारतीय मैंने रोकता देशर विभिन्न अंचल में पालन हो सूर्य पूजार उत्सव छठ 4 दिन तले नहा खायरु आरंभ होता व्रत आज उदय सूर्यर दर्शन सहित समाप्त होती देशर विभिन्न नदी और जलाशय तर्पण सहित सूर्य दर्शन करी अर्घ्य प्रदान करी महिला व्रतधारी और निज पर मंगल पाई छठ माँ को भक्ति निवेदन करी अवसर में विभिन्न नदी कूल में श्रद्धालु भिड़ देखा मिलता व्रत उपलक्षे बजार किणाबिका बढ़वे लगी। पॉजिटिव भारत आज खबर क्विट रखा नमस्कार।